हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है संडे, तो हम लोगों ने कल सोचा था कि हम कहीं जाएंगे, तो आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल और फिर वहीं से ही मुझे मार्केट में भी काम है, तो मैं वहाँ चले जाऊँगी। अभी हम लोगों ने सारे काम कर दिए हैं, तो गाइज अभी हम लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया है क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं घर से। हमको निकलते निकलते अभी तो 11:30 बज गए हैं और इस्कॉन टेम्पल है जो वो यहाँ से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में, मतलब हमको वहाँ पहुँचने में ही 40 मिनट के आसपास तो लग ही जाएगा। तो इस वजह से फिर हम लोग लेट ही पहुँचेंगे वहाँ पे, तो हमारे पास बस आधा घंटा भी बचेगा, नहीं बचेगा कम से कम, तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब हम लोग कुछ देर बाद निकलेंगे, 1-1.5 घंटे। वैसे भी सुबह उठ के हम लोग जल्दीबाजी में कभी कुछ करने में थे, अब थोड़ी देर आराम कर लेंगे उसके बाद निकलेंगे। फिर अब हम पहले मार्केट जाएंगे और फिर शाम को दोबारा से जब इस्कॉन टेम्पल खुल जाएगा तो उसके बाद वहाँ जाएंगे। अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और मैं सोच रही थी यार, मैंने नेल पेंट नहीं लगाई, ये वो, अगर ये लगाऊंगी तो अनुराग फिर और गुस्सा करेंगे, इसलिए अब मेरे को सही है 1-1.5 घंटा मिल गया, आराम से अब सब करती हूँ। मैं नेल पेंट लगा रही थी और बैठ के कुछ सामान ऑर्डर करना था वो सब कर रही थी, तब तक बाहर मैंने खिड़की से नज़र पड़ी तो वहाँ देखा कि धूप तो बिल्कुल गायब है। और मैंने सोचा कि एक बार मैं कपड़े भी उठा लेती हूँ, और कपड़े उठाने इधर आई तो यहाँ तो बारिश भी स्टार्ट हो गई। अब मुझे लग रहा है हमको प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा, ये यहाँ तो बारिश हो रही है, आसमान भी गरज रहा है। लेकिन साड़ी लानी तो आज ज़रूरी है क्योंकि फिर सीधा हमको संडे को मिलेगा टाइम, संडे से पहले फिर हम जा नहीं पाएंगे, इसलिए बारिश रुक जाती और हम चले जाते, कितना अच्छा होता। बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, अब लग तो नहीं रहा जाने का कुछ है। तो देखते हैं, अगर शाम तक रुक गई तो बस जाके अपनी साड़ी को ले आऊँगी मैं, और अगर नहीं रुकी तो क्या कर सकते हैं। तो अब हम कर रहे हैं खाने की तैयारी। सुबह हमने राजमा उबाल के रख दिया था, अब उसको बना लेते हैं अच्छे से। और चावल तल के बचे हुए हैं तो चावल तो उसी तरह हम यूज़ करेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे तो हमारे बन जाएंगे राजमा और चावल। आज स्वर्ग देवता का दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया लग रहा है मुझे, इतनी तेज़ धूप आई है और बारिश हो रही है यार, फिर भी हद हो गई। इनको संडे का ही दिन मिला था शायद बारिश होने के लिए। क्या एक संडे का ही दिन तो होता है हमारे पास कहीं जाने का, अपने सारे काम करने का बाहर के, उस दिन भी बारिश हो गई और धूप देख रहे हो, ऐसी धूप सुबह थी, इतनी तेज़ धूप थी, मतलब मैंने तो सोचा कि कपड़े बाहर हैं सबको अंदर रख देती हूँ, नहीं नहीं और दिन मैं कपड़े अंदर रख लेती हूँ, तो आज मैंने सोचा बारिश आज थोड़ी ना आएगी हमारे आने का, कपड़े भी सूख जाएंगे, कपड़े नहीं उठाती हूँ। और थोड़ी देर में देखा काया ही पलट हो गई। चलो फिर अब क्या कर सकते हैं, खाना खा लेते हैं, देखते हैं उसके बाद सही होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कहा जा सकता, आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा हमारा। सो फाइनली वी आर गोइंग नाउ, क्योंकि अब बारिश तो रुक गई है लेकिन हवा अभी भी फिर भी चली रही है, लेकिन अब हम जाते हैं, हमने खाना भी खा दिया है बस, तो अब हम निकलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, भीगेंगे तो कोई बात नहीं, भीग लेंगे, लेकिन जाते ही आ जाओ। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भीगते भागते यहाँ पर, और सबसे पहले हमारा वेलकम किसने किया पता है? मोर ने। मोर को मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है, वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा दूँगी। हमको पहुंचने से पहले यहीं पे हमको मिल गया था एक मोर रास्ते में, बस थोड़ा सा आगे, 2 मिनट का नहीं, 1 मिनट पहले रास्ते में यहीं पर मिल गया था। अभी हम लोग जाते हैं अंदर को, और अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है शायद, तो देखते हैं क्या होता है। इस्कॉन टेम्पल के सामने एक पार्क है, तो अभी हम उसी में हैं और सबसे कॉर्नर में खड़े हैं, मैं यहाँ से सब दिखाती हूँ। जैसे ये सामने है हमारा टेम्पल और ये है पार्क का एरिया, और हमारे राइट साइड में है एक, क्या है ये, पॉन्ड जैसा, मतलब स्विमिंग पूल की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोट है। ये रही
स्कूल के बच्चे आए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैं उधर को जाके बोलती हूँ। चलो, तो जो वहाँ पे बोटिंग वाला एरिया है वहाँ पे हर किसी की एंट्री नहीं है, वहाँ सिर्फ उन्हीं की एंट्री हो रही है जिनने यहाँ का पास लिया है, मतलब जो यहाँ का मेंबरशिप ले रखी है। मंथली यहाँ कुछ अमाउंट पे करते हैं, दान देते हैं, मतलब है ना। इस्कॉन टेम्पल से वापस आके हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे वहाँ से लेनी थी साड़ियाँ, तो साड़ियाँ लेके हम लोग फिर सीधे आ गए थे घर, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था आज। देखो गाइस, अनुराग अभी गए हैं नीचे और ये मोबाइल में क्या चला रहे हैं मैं सब देख सकती हूँ यहाँ से। ये आओ आओ, अब फिर बताती हूँ आपको। ये दो छोटे से पप्पी हैं यहाँ पे, ये थे चार भाई बहन थे, अभी अभी हुए हैं। इसकी मम्मी जो है उसको लगी है चोट, इसलिए हम आजकल इसको खाना देते हैं। वो सामने बैठी है उसकी मम्मी, जो मैंने अभी नीचे डॉगी दिखाया वो उसके बच्चे हुए थे जन्माष्टमी से कुछ टाइम पहले, पर हुए वो चार थे लेकिन अभी वो तीन ही बच्चे हैं। उसमें से भी एक मुझे आजकल दिख नहीं रहा है, कल से नहीं दिखा है, पता नहीं वो कहाँ है। ये दो व्हाइट वाले दिख रहे थे, तो उस डॉगी को लगी थी चोट एक दिन, मुझे उसको देख के बड़ा वो हुआ, तब से उसको आजकल हम खाना देने जाते हैं, इसलिए अभी नीचे गए थे अनुराग खाना देने के लिए। और हम लोग मार्केट से आ गए थे, उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया, घर में बात कर ली, सारे काम हो गए। और आज मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ और जो साड़ियों के कलेक्शन थे ना वो इतने अच्छे थे आज, तो उस दिन तो कुछ था ही नहीं समझो, और आज बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे साड़ी के, हर जगह पे सारी शॉप में इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन भरे हुए थे साड़ियों के, बहुत मजा आ रहा था देखने में। मन तो कर रहा था एक दो और ले लूं मैं साड़ियाँ, पर पहनती भी हूँ नहीं ज़्यादा, तो क्या करूँ लेकर, खाली अच्छे तो सारे ही कपड़े लगते हैं, पर इतने सारे लेके कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ना ही इतने सब ले सकते हैं और ना ही कोई पहनने के मौके आते हैं मेरे पास साड़ियों के, तो इसलिए मैंने तो कुछ नहीं लिया। एक मैंने मम्मी के लिए साड़ी ले ली और एक मैं अपनी साड़ी लेके आई। अब वो मार्केट तो दूर है, अब मुझे करवा चौथ की अब जो छोटी मोटी और भी शॉपिंग करनी है, जैसे अभी तो खाली सिर्फ साड़ी आई है, अब उससे मैचिंग का बाकी सब जो भी चीज़ें बनानी है वो सब मैं यहीं कहीं से, मतलब जो पास की मार्केट है वहाँ से कर लूँगी। तो अभी हम लोग जल्दी से सोते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।